हमारी रस्सी से उतार कर अपने कपड़े कैसे डाल दिए हाथों से? मजाक नहीं कर रहे हम, जो पूछ रहे हैं ना उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी वो क्या है ना, हमारे कपड़े थोड़े ज्यादा थे, आपके कपड़े सूख चुके थे, इसलिए हमने तार से उतार कर अपने कपड़े डाल दिए बस। बहुत बढ़िया, अभी तो तुमने केवल रस्सी से कपड़े उतार कर अपने कपड़े डाले, कल को पता चला तुम हमारी छत पे भी आ जाओगी और फिर उसके बाद कहोगी भाभी आपका ये कमरा खाली है हम ले लें। एग्जैक्ट हैं, ऐसी कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है भाभी, माफ कीजिए। अरे बोल, अरे सुबह सुबह किस बात में चिक चिक कर रही तुम दोनों? अरे बाबूजी ये सकीना तुम लोगों का रोज रोज का है, हमारा नाश्ता कहाँ रख दिया तुमने, हम पूरा बाथरूम छान मारे हमको कहीं नहीं मिला। लो फिर और सुन लो। अरे बाबूजी बाथरूम में नाश्ता कौन रखता है? आपको चार चार बार बोलकर आए थे हम जब आप अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहे थे कि नाश्ता बेडरूम में रख दिया है। हाँ वही वही बेडरूम, गलती से हमारे मुंह से बाथरूम निकल गया। बहू आजकल ना हमारी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, तुम एक काम किया करो हमारे लिए ना रोज बादाम भिगो के रख दिया करो, सुना बादाम खाने से याददाश्त अच्छी होती है। ठीक है बाबूजी भिगा देंगे। हाँ ठीक है। अरे बाबूजी आप फिर से बाथरूम की तरफ जा रहे हैं? तुमको कहाँ जाना था? बेडरूम में। क्यों? अरे बाबूजी नाश्ता वहीं तो रखा है। हाँ सटिया गए लगता हम आजकल। तुम क्या देख रही हो इतने ध्यान से? लग रहा जैसे बाबूजी तुमसे ही कह रहे थे सब। हम क्यों देखेंगे ध्यान से, हम तो बस खड़े ही थे, आपको हमारा खड़ा रहना भी अच्छा नहीं लगता क्या? ठीक है तो फिर नहीं होते खड़े, जा रहे हम। अरे सकीना गुस्सा हो गई क्या? अरे रुको तो बात सुनो भाई। कल से रोज बादाम खिलाना पड़ेंगे बाबूजी को, सच में बहुत भूलने लगे हैं। हमारे मियाँ बातें भले अच्छे ना करते हो लेकिन हमें नजराने कितने अच्छे अच्छे देते हैं। स्कूच इनाम इनाम इनाम। क्या हुआ अम्मी जान? ये क्या है? लग तो आपका कुर्ता रहा है लेकिन ये तो फटा हुआ है, जैसे किसी ने कैंची से कुतर दिया हो। वही तो हम भी कह रहे हैं। ये आप दोनों की कलाकारी है ना, वो स्कूल में क्या बनाते हैं वो प्रोजेक्ट उसके चक्कर में किया ना आपने ये सब। देखिए अम्मी जान माना कि हम कभी कभार शरारत कर लेते हैं लेकिन हमने ये सब नहीं किया है। नहीं किया है हम कैसे मान ले, झूठ भी तो बोल सकते हैं आप। हम ना दादी जान की कसम खाते हैं, हम उनकी कसम कभी झूठी नहीं लेते हैं। और हमारी खा लेंगे झूठी कसम आप? आपकी कब खाई अम्मी जान, आप तो जिंदा है। तो भी तो कहा आपने कि दादी जान की आप झूठी कसम नहीं खा सकते, इसका मतलब हमारे तो खा लेंगे ना। हो ना हो ये शांति भाभी का काम है, हमारे सूट की सूरत को बिगाड़ के रख दिया पूरा। ये देखिए कितने छेद कर दिए इसमें, हमने रस्से पर कपड़े सुखा दिए थे ना उनकी, उसी का बदला लिया है उन्होंने। बताओ कितना बुरा, इतना अच्छा सूट था मियां लाए थे। घूर क्यों रहे हैं, नजर नीचे कीजिए फौरन। बादाम कहाँ चले गए, तो दिखाई नहीं दे रहे इसमें, जरूर बच्चों ने ले लिए होंगे। अरे आदि गुड्डू पूजा बेटा यहाँ आओ। क्या हुआ मम्मी? बेटा वो हमने तुम्हारे दादाजी के लिए रात को बादाम भिगाए थे, अब है ही नहीं उसमें, कहाँ चले गए? मम्मी आप इनडायरेक्टली इंजाम लगा रही ना हम लोग के ऊपर कि हमने बादाम खाए। बहुत सही। अरे नहीं नहीं बेटा हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो केवल पूछ रहे हैं तुमसे, अगर तुम लोगों ने खाए हैं तो कोई बात नहीं हमको बता दो, हम और भिगा दिया करेंगे। मम्मी अगर हम लोग को खाने होते तो हम लोग आपसे पूछ के खाते ना। हाँ सही बात है, हमें अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है, तुम लोग ऐसी पौष्टिक चीजें कहाँ खाओगे, तुम लोग तो वही अपना पिज्जा बर्गर यही सब खाओगे है ना।
आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो हम लोग जाएं? हाँ जाओ नानी। लो फिर और सुन लो। अरे बादाम ना हो गए मिस्टर इंडिया हो गए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर बादाम गए तो गए कहाँ? बहू अब तुम बॉडी ला रही हो या मैं जैसी जाए शमशान? अरे शांति जी कुछ नहीं, कोई बॉडी ऑडी नहीं, इनको बादाम चाहिए। ले आइए थोड़े हम भी खा लें, आजकल हिसाब किताब में बड़ी गड़बड़ हो रही है। बाबूजी आजकल काम का बड़ा लोड है। हरी बोल। बाबूजी वो हमने भिगाए तो थे लेकिन मिल नहीं रहे। हेलो अब ये बादाम ना हो गए मुर्दे की हड्डियां हो गई। अरे ऐसा तो शमशान में होता है कि मुर्दे की हड्डियां खो जाती हैं। हमको तो लगता है बहू तुमने तो बादाम भिगोए ही नहीं है। अरे नहीं बाबूजी हमारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, हमें अच्छे से याद है हमने भिगाए थे। चलो हमने मान ली तुम्हारी बात, आज और भिगो देना। चलिए ठीक है हम भी तैयार होते हैं। शांति भाभी हाँ अगर आपकी याददाश्त सही है तो आप बताएंगी हमारे कुर्ते का ये हाल किसने किया? कुछ लो फिर और सुन लो। अरे हम कोई ज्योतिषी थोड़ी हैं जो तुम्हारे कुर्ते का भूतकाल भी बता देंगे। शांति भाभी आप वो बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या भोली? वो तो आप कतई नहीं है। वो होता है ना वो क्या कहते हैं वो जो आजकल की टीवी को कहते हैं लोग स्मार्ट टीवी। स्मार्ट आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए भाभी। याद है ना हमारे कपड़े आपकी तरफ आ गए थे तो आपने किसे गुस्सा किया था वू करके? ओहो सकीना आप चार दिन पहले की बात के लिए तुम अब लड़ने आई हो हमसे? एस्कूज वो कल की बात है भाभी, बुलक्कड़ हो गई हैं आप। अरे भैया माफ करो हमारी अम्मा, हम तो पहले ही अपनी उलझन में उलझे हुए हैं। एक तो बादाम नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले जा रहे हैं बादाम, आसमान निकल गया या जमीन में धस गए। तो आप अपनी गलती कबूल कर लीजिए ना भाभी, हम भी चले जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है खड़े रहने का। लो फिर और सुन लो। अरे भैया हमें तुम्हारा कुर्ता खराब करके कौन सा वीरता का पुरस्कार मिलने वाला है? भाभी अब हमारी बर्दाश्त की हद पार हो रही है। हाँ तो ठीक है मिर्जा भाईजान से कह दो तुम्हारे लिए और ले आएंगे। आई बड़ी शांति भाभी। सकीना हरी बोल। हरी 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 वाह। अरे तुमसे नहीं कह रहे, देखो बहू हमने चुपचाप मुर्दे की तरह खड़े खड़े तुम दोनों की पूरी बातें सुनी, अब हमको थोड़ा वक्त दो हम फैसला करते तुम दोनों का कुछ। हरी बोल। लड़कियों अपने सपने बुन लो, ये हमने छापा है। वाह। अरे बेटा मजनू सबको पान खिलाओ पड़िया। अरे यार पैसे जच्चू खातम लिख लेना। नहीं नहीं अभी सुबह सुबह मालिक आएंगे पीठ डालेंगे। अगर नहीं लगाओगे तो अभी हम तुमको गिरा गिरा के पटक पटक के तोड़ डालेंगे। तो सोच लो किसके हाथ का खाना है, मालिक के कि ग्राहक के? 2 मिनट में बताओ नहीं तो एक हम छाप देंगे। अब मेरी जान मजनू जरा एनाटॉमिकली सोचो यार। है? मैं सोचो कि किसके हाथ का कंटाप कितनी वेलोसिटी के साथ आगे तुम्हारे गाल पे चिपकता है और कितना फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, सोच के बताओ। मालिक की उंगलियां लंबी और नुकीली हैं, उनका हाथ गाल पे पड़ते ही झन्ना उठता है चिंगारी की तरह। और जब हम मारी थे तब कैसा महसूस होता है? आपकी उंगलियां मोटी और गदराई हुई हैं, पड़ते ही दिमाग सुन्न हो जाता है। तो अब तुम सोच लो कि तुमको चिंगारी वाला महसूस करना है कि दिमाग की नसें फड़वानी है। लगाते हैं। गुड चॉइस। अच्छा मेरे में कत्था कम रखना। अच्छा सुनो भोला बत्ती जलाई तो डाल देना हमारे। ठीक ठीक ठीक। और सुनो मेरे में स्टार बढ़ा देना यार। हेलो स्टार, ये क्या सवेरे सवेरे दुकान में भीड़ लगा रखी है भैया, चलो हटो। अरे अरे साइंटिफिक एनालिसिस हो रही है भाई। एक बात कहें भाई जी मिश्रा,
बातचीत के यार तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। तुम्हारे बाप तुमको इतना भी संस्कार नहीं सिखाएं कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, कम से कम बातें तमीज से कर लो। एक तो हम लोग आए सवेरे सवेरे तुम्हारी बोनी बट्टा कराने, ऊपर से तुम ऐसे बदतमीजी से यार बात कर रहे हो। अरे भैया तो ग्राहक बोनी कराए तो अच्छा लगता है, यहाँ तो बोनी खाते में हो जाएगी, मुंह उठा के चल दोगे। और तुम यहाँ सबको फ्री में पान खिला रहे हो, लंगर खुला है क्या? सिंगारियां निकली। एक दिन हमको देर हो जाए तो दुकान लुटवा दोगे। आते हैं अगर खिला देते ना, फिर फटीचड़ आदमी की इतनी बात ना सुननी पड़ती। बदतमीज कहीं का, दिमाग की नसें सुन। निकलो यहाँ से। क्या निकलो यहाँ से? निकल रहे हो कि नहीं? जा रहे हैं यार, गुस्सा कहाँ हो रहे हो? आओ चच्चू। मैं औकात में बात किया करो। अरे चलो निकलो। कैसे ये इंसल्ट करते रहते हैं बिचुया। मामिया वो देखिए, वो देखिए। वाह मिश्रा जी। हाँ लगता है शांति भाभी के हाथों से मार खा के आए हैं आप। तो रोज ही खाते हैं। अब हमारा मतलब है कि आज हम शांति जी के हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाकर आए हैं। देख जेठा कहूं का। अबे भाई जी उतना झूठ बोला करो जितना चल जाए। एक बार जरा पलट के अपना पैजामा देख लो, जो हवा महल बने घूम रहे हो। इतने छेद तो सपेरे की बीन में नहीं होते हैं जितने तुम्हारे पैजामा में हैं। मिश्रा जी ये पैजामा आप हमें दे दीजिए। क्या है कि हमारी चाय की छंडी पुरानी हो गई, चाय छानने का काम आएगा। नहीं, मिर्जा भाईजान बहुत गलत बात है। इनका पैजामा कोई चाय की छंडी थोड़ा ही है, ये तो नासा की रिसर्च है। मिश्रा जी ने बायोलॉजिकल वेंटिलेटर डेवलप किया है, साइंटिस्ट है भाई ये। शांति जी, शांति जी, शांति जी। अरे क्या हो गया? ये सब क्या है? लो फिर और सुन लो। अरे ये तुम हो, ये तुम्हारा कुर्ता है? अरे हम कुर्ते की नहीं बात कर रहे हैं, नीचे देखिए ये पैंट है हमारी। लो ये किसने तुम्हारी कुटाई कर दी? तुम्हारी पैंट तक को नहीं छोड़ा? कहीं गलती से तुम प्रकाश आटा चक्की वाले क्या तो नहीं चले गए थे झगड़ने? बहुत कुछ ज्यादा नहीं सोच लेती हैं आप शांति जी, ये पैंट हमारी घर के बाहर नहीं घर के भीतर फटी है। अच्छा मतलब पहले बादाम का गायब होना और फिर तुम्हारी पैंट में छेद होना। हमको तो इन सब के पीछे सकीना का हाथ लग रहा है। आज सुबह ही उसने हमसे लड़ाई की, हमको जोर जोर से कहने लगी इल्जाम लगा के कि हमने उसका कुर्ता फाड़ा है, जो हमने किया भी नहीं है। आप देखना मिश्रा जी, ये लड़ाई अब लड़ाई नहीं, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और हमारे अस्तित्व का क्या? दो औरतों की लड़ाई के चक्कर में सारे बाजार आज हमारी बेइज्जती हो गई। लो फिर और सुन लो। अरे भैया हमको अपने और तुम्हारे दोनों के अस्तित्व की उतनी ही चिंता है। अब हमने भी सकीना को अगर छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो हमारा नाम भी मिश्रा की मिश्राएं नहीं। मिश्रा की मिश्राएं नहीं, बहुत सही। क्या डायलॉग बोला है शांति जी, लगता है अब हवेली में प्रलय आने वाली है। लो फिर और सुन लो। अब सकीना को पता चलेगा कि हमारा नाम शांति जरूर है, लेकिन जब कोई हमें अशांत करता है ना, तो हम उसकी जिंदगी की शांति भी छीन लेते हैं।
सुन लो, ये हमसे पहले आके कौन कांड कर गया? अरे सकीना का कुर्ता तो जगह जगह से कटा फटा हुआ है। हाँ? अरे ये किसने काट दिया? हाँ भाभी, हमने आपके जिम की तस्वीर इस फोन में कैद कर ली है, अब क्या कहेंगे आप? सकीना, तुम हमको गलत समझ रही हो। अरे हम कुछ करते उससे पहले ही कोई और करके चला गया। हमारा मतलब है कि हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया आपने? आप हमारे कपड़े नहीं काट रही थी तो फिर कैसी लेके इस वक्त क्या कर रही है? किसके बाल काटने आई है? क्या जवाब है आपके पास? वो कैची तो हम धूप दिखाने के लिए लाए थे। धूप में दिखाने से ना ये कैची की धार बहुत तेज हो जाती है, इसलिए रखने लाए थे। भाभी आप कितने भी बहाने बना लें कि आप हमारे कपड़े नहीं काट रही थी, लेकिन आपकी सारी हरकत हमने इसमें कैद कर ली है। सकीना हमारी छोटी बहन, ये फोन हमको दे दो। दे दो, दे दो ना, दे दो। दे देंगे भाभी, लेकिन आपको नहीं, बाबूजी को। बाबूजी, अरे सकीना, अरे रुको तो। शांति बहू, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना? बाबूजी हम बेकसूर हैं। ये बेकसूर होता है? ये होता है बेकसूर? ये देखिए, फाड़ दिया सब। पकड़े जाने पर हर मुजरिम यही कहता है। शांति बेटा, ऐसा करने से पहले हमारी इज्जत के बारे में सोच लेती। आपकी इज्जत मियां पहले कमा तो लीजिए। चुप रहो तुम, ये हमारा पारिवारिक इशू है। मियां आपका पारिवारिक इशू तब होता जब शांति भाभी आपका कुर्ता कुतरती। इस कुर्ते के साथ कितनी खुशनुमा यादें थी, इल्म है इस बात का आपको? बाबूजी जान, अम्मी जान, आपने क्या फैसला लिया है बता दीजिए सबको। सारे सबूत शांति बिटिया के खिलाफ हैं। मास्टर जी आप भी कोई फैसला सुनाइए। देखो बहू, तमाम गवाहों और सबूतों के मुर्दे नजर रखते हुए ये तो तय है कि इन दोनों के कफन तुमने ही कुतरे हैं। इसलिए हमने और बड़ी बी ने ये फैसला किया है कि तुमको सकीना की पसंद की ड्रेस दिलवानी पड़ेगी, बस। हमारा अभी तो कुतरा है। अरे बेटा जो सकीना का वो तुम्हारा ही तो है। मिश्रा जी, जिंदगी में पहली बार हम बेगुनाह होकर भी गुनहगार हो गए। अरे हार गए हम। अरे शांति जी, हार कर जीतने वाले को पता है क्या कहते हैं? क्या बाजी कर? शांति मिश्रा, लो फिर और सुन लो। अरे यहाँ हम तुमको अपनी पीड़ा बता रहे हैं और तुम हमको फिल्मी डायलॉग सुना रहे हो। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि आखिर सकीना का कुर्ता काटा तो काटा किसने? अरे किसी ने भी काटा हो, लेकिन नया तो उनको आपको ही खरीद के देना होगा। हम क्यों खरीदेंगे, अब वो भी तुम्हारे होते हुए। अरे मिश्रा जी, तुम तो ऐसे पति हो जो सुख में साथ दे ना दे लेकिन दुख में जरूर साथ खड़ा रहता है। एक काम करना मिश्रा जी, सकीना के साथ साथ दो साड़ियां हमको भी दिला देना। बेटा मिश्रा, यहाँ से निकल लो, नहीं तो सुबह होने तक दिवालिया हो जाओगे। अरे शांति जी, ऐसा करिए, आप बादाम अच्छे से भिगो के आइए, हम सोने चल रहे हैं, ठीक है? आइए। ज्यादा चला के हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, दिलानी तो तुमको ही पड़ेगी, बता दे रहे हैं। मिश्रा जी, शांति मचाए शांति, बड़ी डेंजर है ये आंटी।
कमाल है, अपनी पूरी जानकारी में रात को हमने इसमें बादाम भिगाए थे, और बादाम तो छोड़ो, बादाम का छिलका भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं सुबह सुबह उठ के मिश्रा जी तो सारे बादाम नहीं चट कर गए? मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे जरा सुनो, इधर आओ। क्या हुआ शांति जी? देखिए एक बात हम पहले बता दें, हमको दुकान जाने के लिए देर हो रही है, इस समय हम रोटियां नहीं बेल पाएंगे। लो फिर और सुन लो। अरे अभी तो हमने अपनी बात कही भी नहीं और तुमने उसका जवाब पहले ही ढूंढ लिया। गजब हो मतलब मिश्रा जी तुम भी। अरे भाई गजब क्या है, अपने अनुभव से कह रहे हैं। जब जब आपने हमको किचन में बुलाया है, या तो रोटियां बिलवाई हैं, नहीं तो फिर ये गंदे बर्तन धुलवाए हैं। अरे ये सब छोड़ो, तुम ये देखो जरा, ये देखो। देख रहे हैं लेकिन धो पाएंगे नहीं, ये भी देर हो रही है। रुको, हमने इसमें रात को बादाम भिगाए थे, सुबह गायब हो गए, तुमने तो नहीं खाए हैं? यही पूछने के लिए तुमको बुलाया था, बर्तन धुलवाने के लिए नहीं। अरे कैसी बात कर रही हैं शांति जी, आप खुद सोचिए, हमको अगर बादाम खाने होते तो हम आपसे मंगवा कर खा लेते। बात तो तुम्हारी ये भी सही है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बादाम गए तो गए कहाँ? अरे बादाम के तो पैर भी नहीं होते कि चल के निकल जाएगा। देख लीजिए भाई कहाँ चलेगा, हमको तो पता नहीं, हमको दुकान के लिए देर हो रही, हम निकल रहे हैं। अरे